नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे ओमान मस्कत से रिलेटेड। मस्कत में कोरोना के क्या अपडेट है बता दूं तो कोरोना हालांकि इतना कोई प्रभाव वहां पे नहीं दिखा पा रहा है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, पहले से 2400 प्लस अभी तक वहां पे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें डेथ की बात करें 12 प्लस अभी तक डेथ हो चुकी हैं, जिनमें से 750 प्लस अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं। तो कोरोना के अपडेट मेरे हिसाब से ठीक है। भाई देखिए, दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ओमान से बहुत सारे लोग आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनके लिए बता दूं, अगर आपका कोई फाइन है तो फाइन आपको पहले ही वहीं सेटलमेंट कर लें, वरना एयरपोर्ट पे आपसे फाइन लिया जाएगा, फाइन लिए बगैर नहीं निकला जाएगा। लोग बोल रहे हैं फाइन माफ़ कर दिया, लेकिन ओमान ने कोई माफ़ नहीं किया। भाई पाकिस्तान के जितने भी बंदे निकले हैं 400-400 रियाल फाइन भर के निकले हैं, तो जिनका फाइन है वो फाइन पहले से क्लियर कर लें। आगे हम बात करते हैं साथियों की ओमान की एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। ओमान की बात करें जनसंख्या की, मात्र 46 लाख जनसंख्या ओमान की है, उनमें से 40% 60 में से 40% लोग ओमान में विदेशों के रहते हैं और उनमें से 17% लोग इंडिया के रहते हैं। समझ लीजिए मेरी बात को गौर से, उनमें 17% के हिसाब से 7.5-8 लाख लोग इंडिया के ओमान में हैं, और उनमें से टोटल एशिया के जैसे बात करें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनके टोटल 2.5 करोड़ के ऊपर लोग इंडिया एशिया के टोटल ओमान में रहते हैं। और ओमान गवर्नमेंट ने आज की डेट में साफ साफ बोल दिया है कि इनको छुट्टी करके घर भेजिए, लोकल लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दें, यानी ओमानी लोगों को यहाँ पे लगाएं, बाकी के हैं उनको निकाल के घर भेज दीजिए। और जुलाई 2021 तक का सब कंपनियों को लिखित में अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो भाई आप अगर ओमान में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, या आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। और गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जिनका वर्क परमिट वीज़ा है उनको 2021 के बाद रिन्यू न करें, और उनको रिन्यू होने के बाद टिकट पकड़ा के अपने अपने देश के लिए रवानगी दें। तो भाई ये ओमान की कंडीशन मैं बता रहा हूँ। थोड़ा दिन पहले एक ट्वीट भी आया था कि ओमान के 10 लाख लोगों को हम निकाल देंगे, और ये आज की न्यूज़ है। ये इसका कदम सबसे बड़ा कोरोना की वजह से उठाया गया है, क्योंकि ये कल्ब कंट्रियों की औकात भाई तेल पर है। अब तेल इनका नहीं बिक रहा है तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, तो ये क्या करेंगे फिर, ये तो खुद भूख मरेंगे। तो फिर ये बाहर के लोगों को निकाल के अपने लोगों को जॉब देंगे ताकि उनका सिस्टम बढ़िया तरीके से चल सके। तो ये बैड न्यूज़ है 2021 तक। अब बाकी हो सकता है गवर्नमेंट अगर फैसला वापस पलट दे, लेकिन आज की न्यूज़ यही आ रही है निकल की। तो भाई देख लीजिए, आप अगर छुट्टी आ रहे हो तो कंपनी आपको वापस नहीं बुलाएगी। 2021 तक अगर आपका वीज़ा अभी पड़ा है तो 2021 में रिन्यू नहीं होगा, और जो आप अभी आओगे तो वो फाइन पूरा चुकने के बाद ही आप इंडिया आ सकते हो। फाइन जमा नहीं कराओगे तो आपके एन वक्त पे टिकट कैंसिल हो सकती है, जो इंडिया एम्बेसी आपके थ्रू आओगे। अभी ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो इंडियन एम्बेसी ओमान ने जारी किया है। और उसमें सिर्फ उसका मकसद ये है कि आप उसमें डाटा कलेक्ट कर सकें कि भाई ओमान से आने वालों की संख्या कितनी होगी। मैं लिंक वो वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप ओपन करके उसमें पूरा भर दीजिए। वो डाटा उसमें पूरा भरना है, उसमें वो जैसे उसको सबमिट करोगे इंडियन एम्बेसी पे जाएगा, फिर एम्बेसी से इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। उसमें उनको अंदाज हो जाता है गवर्नमेंट को कि भाई इतने 20-30-50-60-70 हज़ार लोग आने वाले हैं, उनको किस तरह से रिकवर करेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या क्या करेंगे। तो उसका मकसद इतना ही। अगर आपको भरना नहीं आता है तो किसी साथ वाले से भरवा लीजिए, ज़्यादा कुछ उसमें भरना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लगभग कंट्रियों की सेम है, कोई अलग से नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी बाद में उम्र पूछा जाएगा, आप जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो ये पूछा जाएगा, पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, भर दीजिए। रीज़न कारण आपको बताना है, भाई कंपनी ने निकाल दिया, आप अपने आप आ रहे हो, आप बीमार हो, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, पासपोर्ट, ये चीज़ें इसमें भरनी है। क्यों आ रहे हो, कैटेगरी, आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो, प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन, ये आपको भरना है। स्टेट इंडिया में आपका कौन सा राज्य है ये आपको भरना है। फुल एड्रेस आपको भरना है, वहाँ का भी और इंडिया का, दोनों एड्रेस भरने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दो मांगे गए हैं, ओमान का कॉन्टैक्ट नंबर और इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर, उसी नंबरों से कॉन्टैक्ट होगा, जो नंबर आपका चालू नंबर है वही देना है आपको। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। आपको इसमें कोविड टेस्ट के बारे में बताया गया है, अगर आपने टेस्ट करा रखा है तो यस करें, वरना नो करें। प्रोफेशन क्या है, काम आपका क्या काम है, ये आपको भरना है। रिमार्क, आपकी कोई निशानी है तो वो उसमें ऐड कर दीजिए। शर्तें, उसमें 3-4 शर्तें हैं, शर्तें बता देता हूँ। गवर्नमेंट जैसे भी आपको लेके आएगी, जो अधिकारी, जो एरोप्लेन या फिर युद्ध पोत वगैरह, जहाज़ वगैरह जो भी, वो आपको जैसा बोलते हैं वैसे आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, जो गवर्नमेंट आदेश देगी उनको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको जितना पैसा बताएगी टिकट का वो आपको देना पड़ेगा। 14 दिन आपको क्वारंटाइन रखेगी गवर्नमेंट, वो आपको रहना पड़ेगा। ये न्यूज़ है, क्वारंटाइन रखेगी, उनका पैसा आपका 14 दिन का नहीं लगेगा। उसके बाद वहाँ से निकल के आप घर तक पहुँचोगे, वो पैसा आपका लगेगा।
समझ गए मेरी बात को? बस इतनी सी बातें थी, एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने समझा दिया, और बैड न्यूज़ मैंने है वो उस पर बता दिया, आप अपने स्तर पर भाई ट्राई कर लीजिए। अभी की न्यूज़ यही है, हो सकता है 2020 में या फिर पलट दे गवर्नमेंट फैसला, लेकिन सच्चाई है गवर्नमेंट ने लिखित में आदेश दिए, मैं आपको साथ में अटैच कर दूंगा, पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर रोज़ विदेश से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।